प्रार्थी तिहार सिंह कंवर थाना बालको नगर में आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि एक अज्ञात व्यक्ति इसका मोटरसाइकिल व मोबाइल चोरी कर ले गया, जिस पर अपराध कायम कर विवेचना की गई। इसके दौरान अभिषेक मीना पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदय किरण, उप पुलिस अधीक्षक राम गोपाल करियारे मुख्य कोरबा के दिशा निर्देश व मार्गदर्शन में मुखबिर की सूचना पर पतासाजी कर कड़ी दर कड़ी जुड़ते हुए पता चला कि प्रार्थी के मोटरसाइकिल व मोबाइल की चोरी कर आरोपी केशव साहू उर्फ टेहलू पिता स्वर्गीय रामू साहू उम्र 21 वर्ष साकिन परसा भाटा थाना बालको नगर अपने पास रखा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पूर्व में बालको पुलिस द्वारा उक्त आरोपी केशव साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया एवं आरोपी केशव साहू के मेमोरेंडम कथन के आधार पर उसका साथी सीताराम बंजारे उर्फ पकलू पिता बेदराम बंजारे निवासी बाजार के नीचे परसा भाटा बालको नगर उक्त चोरी की गई पैशन प्रो मोटरसाइकिल क्रमांक GC12AM2489 कीमत 25,000 रुपए को केशव साहू के बोलने पर दिगर जिला बिलासपुर ले जाकर सीताराम अपने परिचित लहुरमन टंडन उर्फ लक्की पिता सुखदेव टंडन उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम एरमशाही थाना सीपत जिला बिलासपुर को चोरी का मोटरसाइकिल बेच दिया और लहुरम टंडन भी आपसी सहमति से चोरी का उक्त मोटरसाइकिल सस्ते में 7,000 की कीमत पर मिलने से लालच में आकर चोरी का मोटरसाइकिल होना जानते हुए खरीद कर अपने पास रखा था, जिसे आरोपी सीताराम के मेमोरेंडम कथन के आधार पर लहुरम टंडन से ग्राम एरमशाही में बरामद कर जब्त किया गया तथा आरोपी सीताराम बंजारे उर्फ पकलू एवं लहुरमल टंडन उर्फ लक्की को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय भेज दिया गया। ये नेक्स्ट टीवी के लिए कोरबा से दयाशंकर तिवारी की रिपोर्ट। तो केशव साहू इसका जो साथी है पूर्व में ही उनको जेल दाखिल कर दिया है। जी जी। उसका मेमोरेंडम कथन लिए और तो उसने भी बताया कि मेरे ये साथी को मोटरसाइकिल बेचने के लिए दिया हूँ। जी जी। जो साथी का नाम लिया केशव साहू ने उसको हमने पकड़ा। जी। तो वो बताया कि मैं फलाना मेरा परिचय का है, उसको मैं चोरी का है सस्ते में बेच दूंगा बोल के। तो वो तैयार हो गया सामने वाला। जी। कब की घटना है सर? घटना तो दिसंबर 2019 का। अच्छा, गिरफ्तारी अभी हुई? हाँ, गिरफ्तारी अभी हुई है और एक माह पूर्व इनके एक और साथी गिरफ्तार किए हैं। जी जी। दो की अभी हुई है और एक की पूर्व में हो चुकी है। तो ये लोग जेल दाखिल हो चुके? हाँ, जेल दाखिल कर दिए।